अभी तो सिर्फ ग्रैंड प्रीमियर शुरू ही हुआ था, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो एजाज खान और निकी तंबोली के बीच में होने लगी है फाइट्स? क्यों होने लगे हैं मतभेद घर के अंदर एंट्री लेते ही? क्या हुआ है माजरा, चलिए आपको समझाती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ रुदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड टाइम्स। वेल, जहां एक तरफ बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट की एंट्रीज हो रही थी, सलमान खान अपना काम कर रहे थे स्टेज पर, सीनियर की टीम अपना काम कर रही थी, चुनौतियों का सामना करवा रही थी कंटेस्टेंट से, तो वही घर के अंदर एंट्री लेने के बाद एजाज खान और निकी तंबोली के बीच में ऑलरेडी अनबन नजर आ गई थी। कैसे, चलिए आपको बताती हूँ। यहाँ पर लिविंग रूम के अंदर जैस्मिन भसीन से कहते हैं एजाज खान कि मैं स्नोर करता हूँ। वेल, आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसे ही ये बात एजाज ने जैस्मिन को कही, तो वहां पर निकी तंबोली भी अपने बेड पर थी, तो उन्होंने बोला कौन स्नोर करता है, नहीं ये तुम्हें तो बाहर जाके सोना पड़ेगा। जबकि एजाज खुद अपने मुंह से कह रहे थे कि अगर सब बर्दाश्त कर पाएंगे या सब कंफर्टेबल होंगे तो मैं खुद से बाहर जाके सो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही निकी तंबोली ने उनको पिंग किया या पोक किया, वैसे ही उन्होंने बोला कि नहीं मैं क्यों जाऊं बाहर, वेल आपको प्रॉब्लम है तो आप बाहर जाके सो जाइए, मैं तो यही सोऊंगा। तो जिस पर निकी कहती है कि नहीं यहाँ पर सो रहे सभी को प्रॉब्लम होगा, सब लोग टायर्ड होंगे और सब लोगों को सोना होगा और आप यहीं पर स्नोर करोगे तो सब अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। जिस पर वो कहते हैं कि क्या आपने सबकी राय ली है, क्या आपको सबके जवाब मालूम है। जिस पर जासमीन फिर बाद में इस बात को लेकर अभिनव शुक्ला के साथ में भी डिस्कस करती हैं और बताती हैं कि किस तरीके से अंदर क्या माजरा हुआ। घर की पहले दिन की शुरुआत में ही नजर आने लगे हैं मतभेद। आखिरकार क्या होगा इन मतभेद का अंजाम, ये तो आने वाले वक्त पर ही पता चलेगा। ऐसे में आप लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं बिग बॉस की इस ग्रैंड प्रीमियर को, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।